हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी क्लब। आज आपका लेक्चर वीडियो का टॉपिक है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सेलेक्शन गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन। इससे पहले आपने पढ़ा था लैमार्किज्म के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे डार्विनिज्म के बारे में आपके यहाँ पर। अब थ्योरी पढ़ने से पहले हमको ये समझना है कि वो क्या है डार्विनिज्म, डार्विन क्या थे। जो डार्विनिज्म है यहाँ पर कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन जो है दैट वन इज प्रपोज बाय द चार्ल्स डार्विन। ये क्या थे, एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, एक ब्रिटिश प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक थे जिनको हम लोग न्यूटन ऑफ द बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर ये केवल 22 वर्ष की आयु में एक HMS बीगल नामक जहाज पर संसार की यात्रा करने निकले। ठीक, उन्होंने यात्रा की, उस यात्रा के दौरान वो साउथ अमेरिका गए, गैलापागोस आइसलैंड गए और उसके अगल बगल आइसलैंड गए। उन्होंने इस यात्रा के दौरान की कह सकते विभिन्न देशों में यात्रा करने के दौरान उन्होंने असंख्य जीवों को देखा और बहुत से जीव उन्होंने एकत्रित भी कर लिए और उन्होंने देखा कि बहुत से जीवों में समानताएं भी हैं, विभिन्नताएं भी हैं और कुछ में क्या नई जंतुओं का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर। तो इन सबको देखने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी यहां पर, उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ द नेचुरल सेलेक्शन। मीन्स प्राकृतिक वरण के द्वारा जीवों का क्या होना, विकास होना। यहां पर जो डार्विन थे वो क्या थे कि बहुत ज्यादा प्रभावित थे दो लोगों से, एक चार्ल्स लाइल थे जिन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दिया था और उसके बाद दिया था T.R. माल्थस ने दिया था जनसंख्या सिद्धांत दिया द ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। और उन्हीं के दोनों के पढ़ने के बाद उन्हें अपने सिद्धांतों में क्या मिला, समर्थन मिला। यहां पर क्लियर, समर्थन मिला और उसी के अनुसार उन्होंने अपनी एक जो थ्योरी प्रपोज की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सेलेक्शन। और ये इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी क्योंकि ये बाइबिल के बाद नेक्स्ट जो थ्योरी थी जिसको लोग ऊपर फेथ करते थे या विश्वास करते थे। और उनकी जो ये मैकेनिज्म थी, ये जो थ्योरी थी वो बेस से एडेप्टेशन और इवोल्यूशन में, जिसे कहा गया नेचुरल सेलेक्शन। मतलब इस नेचुरल सेलेक्शन के अनुसार ये थे कि दोज ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडैप्ट टू देयर एनवायरमेंट हैव द बेटर चांस ऑफ द सर्वाइविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। जो जंतु या ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के अनुसार अनुकूलित होगा वही क्या होगा, सर्वाइव कर पाएगा, वही क्या होगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा। जैसे इस COVID-19 में जो भी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ठीक, या ऑफलाइन क्लासेस वीडियो के थ्रू आपको दे रहे हैं, वही तो कॉलेज सक्सेस होंगे यहां पर। अब नेक्स्ट वन जो कंडीशन आती, देखिए ये गैलापागोस आइसलैंड है साउथ अमेरिका से 800 किलोमीटर की दूरी पे पैसिफिक ओशियन पे। अब इनके क्या क्या नियम थे, जो पांच तत्व थे, पहले ओवर प्रोडक्शन था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था, वेरिएशन था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था, और या नेचुरल सेलेक्शन कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन या फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। पहला आता है ओवर प्रोडक्शन जिसे कहते हैं प्रोडिग्लिटी। मीन्स प्रचुर संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ऑर्गेनिज्म हैव वेरी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म में होगी उसमें अत्यधिक
संतानों उत्पत्ति की क्या होती क्षमता होती है, और ये मल्टीप्लाई होते जियोमेट्रिक रेशियो में। मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसे कि जैसे कि एक खरगोश वर्ष में 4 बार बच्चे दे रहा है तथा हर बार 4 या 6 बच्चे उत्पन्न होते हैं, ठीक। मतलब प्रत्येक खरगोश भी 6 माह की आयु में बच्चे उत्पन्न करने लगेगा, तो पूरी अगर ये सब जिंदा रहते हैं तो उनसे क्या होगा? वो 6 हुए, फिर उन्होंने हर ने 6 6 दिए यहां पर, तो पता चला पूरी अर्थ में क्या हो जाए, खरगोश ही हो जाए। जैसे कि आप ले लीजिए एक सीपी होती है, वो लगभग 60 करोड़ अंडे देती है, या एस्क्याइस होता है 27 करोड़ अंडे देता है। अगर इस समस्त बच्चे निकल आए तो क्या होगा, पृथ्वी पर कोई स्थान खाली नहीं बचेगा। पता नहीं समझ में, तो ये ओवर प्रोडक्शन है। जो भी एनिमल है वो ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ एब्सेंस ऑफ द पेरेंटल केयर्स। जहां पे भी पेरेंटल केयर एब्सेंट होगा एनिमल्स में, वो उन एनिमल्स में हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल केयर होगी, पैतृक केयर जिसे कहते हैं। में दूसरा आता है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। हम ये देख रहे हैं कि ओवर प्रोडक्शन के बाद भी जंतुओं की संख्या क्या है, स्थिर है यहां पर। स्थिर क्यों है? द स्ट्रगल फॉर और या कंपटीशन अकर्स एमंगस द ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन द अवेलेबल रिसोर्स, इट ऑफ 3 टाइप्स, इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और या इन्वायरमेंटल। ये 3 तरह का स्ट्रगल होता है लाइफ में यहां पर। मतलब 3 तरह के होता है स्ट्रगल, क्योंकि जो भी एनिमल है वो स्ट्रगल किसके लिए हो रहा, फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर के लिए। हर एनिमल्स में क्या हो रहा, संघर्ष हो रहा यहां पर। जैसे कि इंट्रा स्पेसिफिक बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज, जैसे हम ही लोग आपस में लड़ जाते हैं, या आप ही लोग क्लास में लड़ जाते हैं कि नहीं ये सीट में हम बैठे, यहां आगे बैठेंगे पीछे बैठेंगे। तो आपस में जब एक ही जातियों के बीच में संघर्ष होगा तो उसी को हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, जब दो भिन्न जातियों के बीच में, जैसे कि आपने घर के बाहर एक रोटी डाली तो गाय और कुत्ते के बीच में संघर्ष हो गया। एनवायरमेंटल, जंतुओं के बीच में और एनवायरमेंटल कंडीशंस के बीच में, वातावरण के कारण, वातावरण के और आपके बीच में संघर्ष हो रहा। फ्लड आ गया, कहीं ड्राई आ गया, कहीं पे बहुत ज्यादा रेनी सीजन हो गया, कोल्ड हो गया, वार्म हो गया, तो उसके बीच जो हम लोग के बीच में वातावरण के बीच में संघर्ष हो रहा, उसी संघर्ष को हम लोग कह देते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कह देते हैं यहाँ पर। जैसे ये देखिए कंडीशंस आ रही है, इंट्रा स्पेसिफिक पहला वाला है, सिंगलर है, एक शेर है। यहाँ पर कंडीशन आप देखिए क्या लिखा है, इंटर स्पे बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में है, इन्वायरमेंटल के बीच में। ये स्नो बियर है यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, तो वो इसके खिलाफ अपने फूड के लिए और हैबिटाट को, या कह सकते हैं कि स्पेस को अपने बचाने के लिए क्या कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है यहाँ पे। अब आता है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होता है कि विभिन्नताएं, विभिन्नताएं कहते हैं यहां पर कि एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विन्स, नो टू इंडिविजुअल्स आर द सिमिलर, दे आर द रिक्वायरमेंट ऑल्सो नॉट द सेम। आइडेंटिकल ट्विन को छोड़कर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर नहीं होंगे, यहां तक उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। द डिफरेंस इज डिफरेंस को ही हम क्या कह देंगे, वेरिएशन। आप फिगर पे देख रहे होंगे बीटल्स, हर का अलग अलग कलर है, हर का अलग अलग कलर है, हर कोई अलग अलग डिफरेंट है। आप अपनी फैमिली में ले लीजिए,
ब्रदर ब्रदर होंगे, सिस्टर सिस्टर होंगे, वो सब एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी को ही हम लोग कह देते हैं वेरिएशन और विभिन्नता कह देते हैं। यही वेरिएशंस क्या होती है, एक हैरिटेबल हो जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती रहती धीरे धीरे। अब आता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और या नेचुरल सेलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहने का मींस कंडीशन है कि समर्थ का जीवत या प्राकृतिक वरण। मींस कहने का तात्पर्य कि जीवन के संघर्ष में जो विजयी होता है प्राकृतिक उसी का ही चुनाव करती है। मतलब जो जीवन के संघर्ष में, जीवन के संघर्ष का तात्पर्य है जिसमें कि मोस्ट यूजफुल वेरिएशन होंगे, जिसमें वेरिएशन होंगे वही उस चुनाव उसको प्राकृतिक चुनाव कर लेगी। आप में बुखार से लड़ने की क्षमता है, वेरिएशंस है, आप में विभिन्नताएं हैं, तो नेचर आपको अडॉप्ट करेगी, नहीं तो यहां से हट जाइए आप। दिस हैज बीन कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसे नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने कहा था और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। और इस प्राकृतिक वरण में जो विजयी होगा या सक्सेसफुल मेंबर होगा या विनिंग होगा वही मेटिंग कर पाएगा। आप जंगल में देखते दो शेर आपस में लड़ जाते हैं, जो विजयी होता वही मेटिंग करता। इसी को ही कह देते सेक्सुअल सेलेक्शन कह देते हैं यहाँ पर बाय द डार्विनिज्म। भाई डार्विन का ये एग्जाम्पल है जिराफ का। डार्विन के अनुसार जिराफ दो प्रकार के थे, एक लंबी गर्दन वाले एक छोटी गर्दन वाले, ठीक, एक शॉर्ट थे एक लॉन्ग लेग। क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, ग्रासलैंड डिस्ट्रॉय हो गया, केवल क्या बचे, ट्रीज बचे। तो जब ट्री बचे तो उन ट्री पे पहुंचने के लिए क्या थे, जिनकी लॉन्ग थी वो क्या हो गए, पहुंच गए ऊपर, जो शॉर्ट थे कुड नॉट ईट, दे वेर रियली हंग्री, वो भूख से मारे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ओनली लॉन्ग नेक जिराफ क्या हुए, वो सर्वाइव किए यहां। तो जो वेरिएशन हुआ लंबी गर्दन का वो वेरिएशन हुई यूजफुल हुआ, और इन्होंने संघर्ष किया तो आज आपको दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग नेक वाले जिराफ, जिसका नेचर ने एडॉप्ट किया यहां पर। यही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में, यही संघर्ष जीवन के संघर्ष में विजयी हुए तो प्राकृतिक ने इनका क्या किया, चुनाव किया। वही कहता है इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल वेरिएशन, जो यूजफुल है लाभदायक विभिन्नताएं हैं प्रेजेंट इन द सर्वाइविंग इंडिविजुअल एंड पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। जितनी भी यूजफुल विभिन्नताएं हैं जो भी सर्वाइव इंडिविजुअल कर रहा है पर्टिकुलर टाइम पे, उसने इसको पास किया, किसमें पास किया, अपनी अगली पीढ़ी पे। तो ये जब छोटे छोटे जो थे ये इकट्ठा होते गए, जिसके फलस्वरूप वो जन तो अपने परिवर्तित वातावरण के क्या हो गया, वो अनुकूल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यही जब यही चीजें धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी, चेंजेस वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन, कई वर्षों जनरेशन तक, अल्टीमेटली उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया, क्या फॉर्मेशन कर दिया, न्यू स्पीसीज को, ठीक, जो उस वातावरण के अनुसार अपने को नहीं ढाल पाए, जो उस पर संघर्ष नहीं कर पाए एनिमल, वो एनिमल क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इनमें वेरिएशन था, वेरिएशन होने के कारण इन्हें कम संघर्ष करना पड़ा और यही सब गुण उनकी संतानों में आ गए। लेकिन जिनमें वेरिएशन नहीं था उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष में वो विजयी नहीं हुए और वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। जो डार्विन के नेचुरल सेलेक्शन का करेक्ट सीक्वेंस है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, वेरिएशन है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, दिस वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ। अब क्या आता है, कुछ ऑब्जेक्शन थी डार्विन की। डार्विन ने वेस्टिजल ऑर्गन के बारे पे नहीं बताया कि कैसे क्या था, ना ओवर स्पेशलाइज ऑर्गन के बारे में डार्विन ने बताया, ना ही डार्विन का सिद्धांत क्या था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की व्याख्या करता था, ना कि ओरिजिन ऑफ फिटेस्ट नहीं बताता था।
जो डार्विन की थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती थी, क्या एक्सप्लेन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट एक्सप्लेन द हाउ टू एनिमल ओरिजिनेट, ओरिजिन ऑफ द फिटेस्ट नहीं बता रहा वहां पे. ही डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कैसे हो रहा वो नहीं बताया, ना ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन वो बता पाए. डार्विन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सोमैटिक एंड जर्मेनल वेरिएशन, इन्होंने भी नहीं बताया था कि सोमैटिक वेरिएशंस क्या होता है और जर्मेनल वेरिएशंस क्या होता है. यहाँ पर इट डज नॉट एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल फ्रॉम द एक्वेटिक एनिमल, कि जो जलीय जंतु वो स्थल पे कैसे आए, उनका कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके. अब दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए, कंपैरिजन ऑफ लेमार्किज्म और डार्विनिज्म. आपको बस कंपैरिजन में ये ध्यान रखना है कि लैमार्क में केवल एक प्रकार के जिराफ थे, उन्होंने ही स्ट्रिचिंग करी अपने गर्दन को, अपनी टांगों को, अगली टांगों को किया, जिसके फलस्वरूप आज आपको वो नया जिराफ दिख रहा है. लॉन्ग नेक होगा, लॉन्ग लेग होगा, फोर लेम होगा यहाँ पे, है ना, जनरेशन टू जनरेशन है. जबकि वही डार्विनिज्म के साथ क्या था, यहाँ पे डार्विन में क्या था कि दो तरह के जिराफ थे, मतलब उनकी जो नेक के में क्या था, वेरिएशन था, जो नेचुरल सिलेक्शन फेवर पे गया वो नेचुरल सिलेक्शन किसके फेवर में गया, लॉन्गर नेक पे, और यही फेवर्ड कैरेक्टर पास होता गया जनरेशन टू जनरेशन. वहीं शॉर्ट नेक वाले एनिमल्स की क्या होने लगी, डेथ डेथ हो गई, और यही चीज धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी और ये अगली जनरेशन्स पे क्या होने लगी, ट्रांसफर होने लगी, जो आज आपको ये डिफरेंट जिराफ नजर आ रहा है यहाँ पर, जनरल इंक्रीज इन द नेक रीजन. तो ये दोनों में डिफरेंस, वहां सिंगल टाइप में था, यहाँ पे टू टाइप के जिराफ पाए जा रहे थे यहाँ पर.